हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम आपको आंसी शहर की एक ऐसी महान हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो सभी दलों में एक नेता के तौर पर रहकर अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं। पहले ये इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव में रहकर इन्होंने उनसे दोस्ती थी और ये लंबे समय कांग्रेस में रहे, टिकट के दावेदार भी रहे। लेकिन अचानक उनकी पत्नी के रेणुका बिश्नोई को टिकट मिलने से ये वो टिकट से वंचित रह गए। अब कुछ दिन पहले वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या खास बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में देखी कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले आए। हाँ, तो मेहता साहब जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मेहता साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी को कैसे पसंद किया और क्यों चुना? पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद करना ना करना, ये किसी की आज बस की बात नहीं है। आज ये एक लहर, एक तूफान ऐसा चला हुआ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने ऐसा कर दिखाया कि जो लोगों ने उनको भगवान के रूप में दिलों से चाहा, तो उनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सिर झुकाकर हमने उनका देश का पालन किया। और हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके सामने जब ये नौकरियां लगाई, तो ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं है जिसके घर में से नौकरी ना लगी हो। अगर आईएएस की नौकरी लगी तो बिना पैसे, घर घर में नौकरी लगी, जिनको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे नौकरी लगाने के लिए। अब ये हमारा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लगेगा, लोग डरते थे भी पहले पढ़ो और फिर पैसे दो नौकरी लगे, पर उनके आशीर्वाद से आज किसी को कहीं नहीं जाना पड़ा। पढ़े लिखे बच्चे अपने आप नौकरी लगे। तो इससे पब्लिक का जो मन था, उनके आशीर्वाद से हमने यही सोचा कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हजारों लोग खड़े होते हैं, साथ में लाइन में हम लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो वहाँ लगने से कुछ ना कुछ भगवान के घर से फल लेके आते हैं। तो हमने सोचा जब सारी दुनिया इनको भगवान मानती है तो क्यों ना हम भी इनके शरण में जाएं। मुझे तो इस पार्टी में आने के बाद बड़ा अच्छा लगा। मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये उनको विश्वास दिलवाया कि आपकी अच्छाइयाँ देखकर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की अच्छाइयाँ देख के, अमित शाह जी की अच्छाइयाँ देख के आज हमने ये पार्टी ज्वाइन करी और हमें बहुत बढ़िया लगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि हमारे पूरे हरियाणा का भला हो पाए। तो विनोद मेहता जी, जैसा कि आपने बताया कि ये नरेंद्र भाई मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके प्रभाव में और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के दृढ़ निश्चय के कारण आप उनके इतने कायल हो गए कि आपने कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन आपके साथ रही यहाँ की विधायक रेणुका बिश्नोई ने सीधा सरकार पर यह आरोप लगाया था कि यहाँ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और कई विकास के कार्य रुके हुए हैं, और उन्होंने ये भी सरकार पर आरोप लगाया कि इसका श्रेय कहीं ना कहीं रेणुका बिश्नोई को न मिल जाए, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतने काम नहीं होने दिए जितने होने चाहिए थे। इस बारे में मेहता साहब आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफाई के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत थी। हमने भी अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री जी के पास बातें नहीं पहुंचती थी। कहीं ना कहीं यहाँ के कार्यकर्ता नेता, इतना पैसा आता था तो नहीं दिखा पाए, वो तो उनकी गलती मानते हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं मानते कि आंसी शहर में इतना पैसा आया। और हम जब इस पार्टी के अंदर आए
तो मैंने भी मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के सवाल रखा, तो उन्होंने तुरंत इतना पैसा शहर में भेजा, अब आप सफाई भी देख लो और काम भी चल रहे हैं। और भगवान ने चाहा, इनके आशीर्वाद से जब भी कोई सेवा का मौका मिलता है, जिस लेवल पर ये हमें समझते हैं सेवा का मौका देंगे और पब्लिक में रह के ऐसे बढ़ के बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और कहीं भी किसी के साथ अनदेखी नहीं की जाएगी। तो हम क्या ये मान के चलें कि आपकी जो फीडबैक है और शहर में एक बड़े नामों में से आपका नाम उभर कर आ रहा है कि हंसी को ऐसा विधायक चाहिए जो यहाँ के लोगों के दिलों को चाहे और लोगों के काम करवा सके, तो क्या हम ये मान के चलें कि आप इस रेस में सबसे आगे हैं और यहाँ की कमल खिलाने के लिए आप बेताब, क्योंकि 1987 के बाद जब पीके चौधरी यहाँ से विधायक बने थे उसके बाद काफ़ी सालों से यहाँ कमल नहीं खिला है और यहाँ हमेशा विपक्ष का विधायक या सरकार के विधायक बनते रहे जिस पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केवल मात्र एक बार 87 की लहर में, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल की जो आजकल सरकार है उसके साथ साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, उसके बाद यहाँ से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं कि अब की बार यहाँ कमल खिलेगा, इस बारे में आप कितने आश्वस्त हैं? देखो, आपने बोली कमल खिलने की बात, कमल तो खिले ही खिलेगा, इस बारे में तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, पर जिसको मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देंगे कमल तो खिलना ही खिलना है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आशीर्वाद देंगे कमल खिला के और पूरे बहुमत से उसको जिता कर मुख्यमंत्री जी की झोली में डालेंगे। तो ये थे विनोद मेहता, और जानकार सूत्रों से हमें यही पता लगा है कि टिकट की रेस में वो अभी तक सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर महिला कोटे की टिकट आई तो यहाँ से एक और नाम भी चल रहा है, और यहाँ पंजाबी बेल्ट के अंदर ये हल्का शुमार है, क्योंकि इस जीटी रोड पर यहाँ पंजाबियों का और कोई हल्का ऐसा नज़र नहीं आता, तो लगता है सामाजिक समीकरण के हिसाब से यहाँ किसी पंजाबी प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसमें विशेष नाम विनोद मेहता और राजेश ठकराल और विनोद भैणा का आ रहा है। तो अभी ये तीनों ही, जिनमें से राजेश ठकराल पुराने कार्यकर्ता हैं लेकिन विनोद भैणा और विनोद मेहता ये दो बाद में आए हैं, हालांकि ये मान के हम चलते हैं कि ये दोनों नेता ऐसे हैं जो जनता में अपना पूरा अपना संगठन रखते हैं और इनके साथ कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज है, और ये दोनों ही टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन जानकार सूत्रों से मुझे पता लगा है कि विनोद मेहता कहीं न कहीं इस रेस में आगे निकल सकते हैं, और मैं ये अभी मेहता साहब से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सूत्र उनके पास है जिसमें वो रेस में सबसे आगे बने हुए हैं? मेहता, मेरे पास मेरे बड़ों का आशीर्वाद, मेरे युवा साथियों का प्यार, मेरी माताओं बहनों का प्यार, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। और इन सब का आशीर्वाद होने के बाद मुख्यमंत्री हमारे समझते हैं कि ईमानदार को टिकट देनी चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। तो ये थे मेरे साथ विनोद मेहता, मैं हवा सिंह चहल, एडिटर आपका संदेश, कैमरामैन अनिल चौहान के साथ, नमस्कार।